हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, जो हम छत्तीसगढ़ के सम्मानित धन डेली बेस पे मॉर्निंग में यहाँ पे कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो है हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर का सेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो पिछले सेशन नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। पूरा जो MCQ जो क्वेश्चन तैयार किया गया, ठीक आपके हिसाब से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया। ये जो है आपके छत्तीसगढ़ पुलिस हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला पिपरी मेंस, मतलब सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा मतलब एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ऑल एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सरपुरी शासकों की राजधानी क्या थी? श्रीपुर, चंपारण, मल्लार या बारसूर? तो ये जो है सरबपुर है, ठीक है जी, सरबपुर। तो सरपुरी शासकों की राजधानी किसको बनाया गया था? तो सरबपुर के इन्होंने यहाँ पे जो है लगभग 5वीं से 6वीं सदी में जो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसके संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है, इसके संस्थापक कौन है? तो सरबराज, याद रखिए सरबराज जो है इसके संस्थापक है। ये जो कौन से धर्म के अनुयायी थे? ये जो है वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म से संबंधित थे सरपुरी वंश। लगभग 5वीं से 6वीं जो सदी तक इन्होंने यहाँ पे शासक मतलब कि शासन यहाँ पे किया गया है। कई बार जो है इनके जो है जो इनके धर्म को पूछा गया आपके PSC मेंस में, प्री में, अलग अलग व्यापन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसको याद रखना है, ठीक है जी। सरबराज इसके जो है संस्थापक हैं। इनकी जानकारी जो भानुगुप्त केरल अभिलेख से यहाँ लगभग 510 ईस्वी से यहाँ से जानकारी यहाँ पे होती। इसमें सरबराज, प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवर राज प्रथम, सुदेव राज, ये सभी जो प्रमुख इसके शासक हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक जो है चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? सिंघनपुर की जो गुफा है रायगढ़ में, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में, चंद्रखुरी आपके जो रायपुर में है, आपके इसको चंद्रखुरी धाम बोला जाता है, कुटुम्बसर बस्तर में। तो यहाँ प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित जो शैलाश्रय कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपका जो सिंघनपुर है, सिंघनपुर का जो रायगढ़ जिला है, यहाँ पे जो है सिंघनपुर की गुफा स्थित है। यहाँ पे जो है प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक यहाँ पे चित्रित शैलाश्रय है। यहाँ पे पाषाणकालीन सचित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एंडरसन ने, याद रखिए एंडरसन ने 1910 में जो इसकी खोज की थी, मानव का आखेट मुद्रा शैल चित्र यहाँ पे जो अंकित किया गया है। ये जो है पूर्व पाषाण काल के हैं और छत्तीसगढ़ के जो प्राचीनतम गुफा इसको मानी जाती है, ठीक है जी। तो रायगढ़ इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरपुर के पांडु वंश के जो महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म? चलिए जी बताइए जी आंसर इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो सिरपुर के पांडु वंश महाशिवगुप्त बालार्जुन, इनको जो है परम महेश्वर, याद रखिएगा परम महेश्वर के जो इनको उपाधि दी गई है। महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे स्वर्णकाल इनको माना जाता है। पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक अगर शासन किया है तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का रहा था। इन्हीं के शासनकाल में जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है इंसांग ने लगभग 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी, और बचपन में धनुष विद्या में जो है निपुण होने के कारण ये आपके बालार्जुन भी कहा जाता है इनको है। और इनको जो है परम महेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इनके समकालीन जो है शासक हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, वातापी शासक इसके शासनकाल थे, इसको याद रखिए। और सुहेनसांग ने अपनी यात्रा का जो वर्णन जो है पुस्तक सीयू में जो है छत्तीसगढ़ को कियाश्लोक नाम से वर्णन किया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे। सिरपुर का पांडुवंशी वंश सभी जो है अन्य जो शासक देखेंगे तो सभी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है जी। यही एक एक व्यक्ति है जो शैव धर्म के अनुयायी थे, बाकी जो शासक थे उज्जैन, इंद्रबली, शानदेव, तिवरदो, नन्न राजद्वित द्वितीय, हर्षगुप्त, ये सभी जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है जी। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामावती नगरी आज जो है किस नाम से इसको जानी जाती है? राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, डोंगरगढ़, चलिए जी कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोंगरगढ़, ठीक है जी। तो कामावती नगरी जो है आज इसको जो है डोंगरगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है।
अलग अलग काल में जो है अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे महाभारत काल में देखेंगे उस समय जो है सिरपुर को चित्रांगदपुर के नाम से, रतन को मणिपुर, खल्लारी को खल्लवाटी के, गुंजी को दमोदर है, आरंग को भांडेर, तो इस तरह यहाँ पे जो है अलग अलग समय में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में जो वरुण का मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? हरचौका में, सीता बेंगरा में, लक्ष्मण बेंगरा में, या जोगी मार्ग के गुफा में? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय चित्रकला में जो वरुण का जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका लक्ष्मण बेंगरा में है। और लक्ष्मण बेंगरा जो है अभी वर्तमान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जो है बताइए। ठीक है जी, आज का आपका क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, महाशिगुप्त बालार्जुन के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जो इनके जो अभी बताया हूँ महाशिगुप्त बालार्जुन के काल इस जो शासक जो है पांडुवंशी शासक थे इनके बारे में बताया हूँ, तो इनके ताम्रपत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका जो है ये आपका सिरपुर है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है जी, ये आपका सिरपुर है, तो सिरपुर ठाकुर दिया तेरसिंगा से या आरंग से, तो इनके लगभग 27 जो शिलालेख हैं ताम्र जो शिलालेख मिले हैं और ये जो है सिरपुर से मिला है। ठीक है जी, तो महाशिगुप्त बालार्जुन के जो है इनका जो 27 जो ताम्र शिलालेख मिला है और इनका एक भी सिक्का अभी तक यहाँ पे प्राप्त नहीं, अगर सिक्का बोले तो एक भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इनके लगभग 27 ताम्र शिलालेख यहाँ पे जो है सिरपुर से प्राप्त हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है जी, बहमनी ताम्रपत्र, बहमनी ताम्रपत्र जो है किससे संबंधित है? जयबल से, वत्स बल से, भरत बल से, या नागबल से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये जो है भरत बल से संबंधित है बहमनी ताम्रपत्र। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? महाशिगुप्त बालार्जुन, नन्नर प्रथम, महाभगुप्त और महाशिगुप्त तिवरदेव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महा जो भगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाभव जो गुप्त है जो सोमवंशी शासक थे, इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण करने वाले शासक थे, ये जो है उड़ीसा के सोमवंशी शासक थे। तो इसको ठीक है, इन्होंने जो त्रिकलिंगाधिपति कौशलेंद्र की उपाधि करने वाला शासक यही है, तो इसको याद रखिएगा। और सोमवंशी शासक थे महाभक्त, तो इसको याद रखिएगा, इसका कई बार जो है आपके एग्जाम में ये आपसे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाणकालीन, छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाणकालीन तथा जो उत्तर पाषाणकालीन जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए है? कबरा पहाड़ से, महानदी घाटी से, सिंघनपुर से, या महानदी घाटी व सिंघनपुर के दोनों से? तो छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाणकालीन तथा जो है उत्तर पाषाणकालीन जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए जो है महानदी घाटी व सिंघनपुर दोनों से, यहाँ पे जो है पूरा पाषाण काल के और जो है उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, बाकी सिंघनपुर और ये यहाँ पे जो है बता चुका हूँ मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किस स्थान पर जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बंदरगाह फोर्ट के होने के साक्ष्य मिले हैं? कौन से स्थान पर जो है छत्तीसगढ़ का पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर बंदरगाह या पोर्ट होने के साक्ष्य मिले हैं? महानदी घाटी से, चितवा डोंगरी से, सिंघनपुर से, या पैरी नदी के क्षेत्र से? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैरी नदी याद रखिएगा। तो पैरी नदी से यहाँ पे जो है पुरातात्विक जो है साक्ष्य के आधार से जो है बंदरगाह के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे कहा जाता है उस समय जो है मतलब जो है यहाँ से इस बंदरगाह से यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है मतलब तरह के यहाँ पे जो बिजनेस होते थे, यहाँ पे जो है खेती से रिलेटेड यहाँ पे देश विदेशों से यहाँ पे जो है सप्लाई किया जाता था उद्योग से संबंधित। ठीक है जी, तो पैरी नदी से यहाँ से साक्ष्य यहाँ पे मिले हुए हैं। सातवाहन वंश के उपरांत मतलब सातवाहन वंश जैसे उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ पर किस वंश ने शासन किया था? सोमवंश ने, फड़ी नागवंश ने, मेघवंश ने, या नल वंश ने? तो अगर मैं सातवाहन की बात करूं तो लगभग जो है ये जो खास करके यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में सातवाहन जो कालीन साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है मल्हार से, बालपुर से, चकरबेड़ा से, यहाँ से वहाँ पे जो है वरदश्री, राजा वरदश्री, गुंजी शिलालेख, यहाँ से बहुत सारे जो है किरारी वगैरह से जहाँ पे सातवाहन काल काष्ठें, स्तंभ, स्वर्ण मुद्राएँ सभी यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
जैसे इसके बाद जो है सातकाहन वंश जो है यहाँ पे ख़त्म होती है, उसके बाद यहाँ पे जो है मेघ वंश यहाँ पे जो है सातवाहन वंश के बाद यहाँ पे तो मेघ वंश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ मेघवंशी शासक जो है शिव मेघ यमेघ के जानकारी यहाँ से मिलती है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सातवाहन नरेशों का कास्ट सिस्टम जो लेग है जांजगीर चांपा जिले के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है, शिवरी नारायण, किरारी, मल्हार या सिपत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किरारी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सातवाहन नरेशों का जो कास्ट सिस्टम लेग जो जांजगीर चांपा जिले कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है, तो किरारी से प्राप्त हुआ है जांजगीर चांपा। सन 1921 से यहाँ पर जो है सातवाहन काली कास्ट सिस्टम जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है, किरारी जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा जो तारा है ये कहाँ की है, जोगीमारा, सरगुजा से, मल्हार, बिलासपुर से, सिरपुर, महासमुंद से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्हार, जो आपके बिलासपुर जिला के अंतर्गत आती है। बहुत सारे डीनेश्वरी मंदिर, विष्णु मंदिर, यहाँ पे हर साल महोत्सव भी आयोजन होता है प्रतिवर्ष। तो छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा जो तारा है कहाँ की है, मल्हार, बिलासपुर से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरपुर, महासमुंद। याद रखिएगा कि यहाँ का जो धातु प्रतिमा तारा कहाँ की है, सिरपुर, महासमुंद। यहाँ पे जो है टाई भी लाइन से नहीं जमा, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। बी ऑप्शन सिरपुर, महासमुंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यकालीन जो विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मौर्यकालीन विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा जो है के जो कहाँ से जो है प्राप्त हुई इनकी जो है प्रतिमा, रतनपुर, सिरपुर, मल्हार या खरौत से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्हार, अभी बताया बिलासपुर जिला के अंतर्गत आती है। तो मल्हार, बिलासपुर यहाँ पर जो है सर्वपुरी राजा प्रसन्न माथ के द्वारा लीलागढ़ जो है लीडीना उस समय कहा जाए, उस समय लीलेगर, अब इसको लीला नदी तट पे आपका जो है स्थित है। यहाँ पे जो है डीडनेश्वरी माता, याद रखिए यहाँ पे जो है डीडनेश्वरी जो है टेम्पल यहाँ पे स्थित है, साथ ही साथ पातालेश्वर मंदिर है, ठीक है जी, पातालेश्वर टेम्पल जो महादेव मंदिर है ये आपका स्थित है, चतुर्भुजी विष्णु जी की मंदिर है, ठीक है जी, ये तीनों यहाँ पर स्थित है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है। विष्णु के चतुर्भुजी मूर्ति यहाँ पर जो है एकदम सबसे प्राचीन है, याद रखिए सर्व प्राचीन है मूर्ति जो मौर्य कालीन से इसको मानी जाती है, ठीक है जी। मल्हार महोत्सव बिलासपुर के मल्हार में हर साल आयोजन यहाँ पे किया जाता है यहाँ पे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पहले पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, बाकी डेली पेज का करंट पेज वगैरह आप अपलोड कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ का नेशनल इंटरनेशनल, तो उससे बढ़िया जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए थैंक यू।